आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ब्लड ग्रुप्स को देख लेते हैं। एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स का ब्लड ग्रुपिंग किया गया है, मोर देन 30+ डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुपिंग है, लेकिन दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग्स हैं जिनको हम यहाँ पे देखते हैं। एक है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये जो ABO ब्लड टाइप्स हैं इनको कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये ABO ग्रुपिंग क्या है? ये बेस्ड है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। जो RBC के सरफेस पे एंटीजेंस पाए जाते हैं ANB, ये इनके प्रेजेंस या एब्सेंस पे बेस्ड है। और ABO ब्लड ग्रुप में डिफरेंट इंडिविजुअल्स में दो नेचुरल एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो कि एंटीजेंस के रिस्पांस में बनते हैं। तो अब हम एंटीजन और एंटीबॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। ABO सिस्टम में 4 ग्रुप्स हैं, मतलब 4 ब्लड ग्रुप हैं। वो क्या है? ये बी, ए बी और ओ। तो इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हैं, इनको हम देख लेते हैं। देखिए 4 टाइप्स के जो ब्लड ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ, इनका नाम जो है वो एंटीजन के वजह से है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसे ए कहेंगे, बी प्रेजेंट है तो उसे बी कहेंगे, ए बी प्रेजेंट है तो उसे ए बी कहेंगे और नहीं प्रेजेंट है तो ओ कहेंगे। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? वो RBC के सरफेस से पाया जाता है। और हमारा जो एंटीबॉडी है वो कहाँ होता है? वो सीरम या प्लाज्मा में होता है। तो देखिए जो ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन तो ई है लेकिन एंटीबॉडी क्या है? NTB एंटीबॉडी है। बी में NTA एंटीबॉडी है बट एंटीजन बी है। और ग्रुप AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है लेकिन दोनों एंटीजन है। और ग्रुप ओ में दोनों ही एंटीबॉडी हैं लेकिन कोई भी एंटीजन नहीं है। इसी को हम इस डायग्राम से देख लेते हैं तो हमें और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो देखिए अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर दें और प्लाज्मा और RBC में सेपरेट कर दें तो क्या होगा? जो प्लाज्मा होगा उसमें एंटीबॉडी होगा और जो RBCs होंगे उन पर एंटीजन होगा। तो ग्रुप ए में ए एंटीजन है और एंटीबॉडी क्या है? वो NTB एंटीबॉडी है। तो आप इस डायग्राम से इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। बी में बी एंटीजन हुआ लेकिन एंटीबॉडी जो है वो NTA है। AB में AB एंटीजेंस हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं है। और ग्रुप ओ में बोथ एंटीबॉडी हैं और कोई एंटीजन नहीं है। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता हो तो उनके चाइल्ड के पॉसिबल ब्लड ग्रुप को हम बता सकते हैं। तो उसको हम समझ लें। आप इस चार्ट को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है, लेकिन एक दो पॉइंट मैं बता देता हूँ तो ये समझना आसान रहेगा, ये हेल्पफुल होगा। अगर किसी भी पेरेंट का, किसी एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप AB हो तो बच्चे का, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O नहीं हो सकता। उसी तरह किसी भी पेरेंट का अगर ब्लड ग्रुप AB नहीं है तो उसके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O हो सकता है। और किसी भी पेरेंट के ब्लड ग्रुप में अगर ए एंटीजन हो तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। उसी तरह किसी भी पेरेंट के ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन हो तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। रही बात AB ग्रुप की, तो दोनों पेरेंट्स में ए और बी एंटीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पेरेंट में दोनों एंटीजन हो AB, तब भी बच्चे का ब्लड ग्रुप AB नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB है और दूसरे पेरेंट में भी ए या बी है, ए बी है या ए है, तभी यहाँ पे AB हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पे AB है लेकिन
दूसरे पेरेंट में ए या बी नहीं है, ओ है, तो यह ए बी नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, एक पेरेंट में ए है इंटीजर, दूसरे पेरेंट में बी इंटीजर, तो ये ए बी हो गया। तो आप इससे इसको समझ लेंगे। अब हम आर एच ग्रुपिंग को भी समझ लेते हैं। ये किस पे बेस्ड है? यह आर एच एंटीजन के प्रेजेंस या अब्सेंस पे बेस्ड है, ठीक है। और यह जो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको कार्ल लैंडस्टीनर और ए एस वीनर ने डिस्कवर किया था। आज तक लगभग 50 डिफरेंट आर एच एंटीजन्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, लेकिन 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? डी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी स्मॉल डी एंटीजन नहीं है, ठीक है। आप देखिए, कैपिटल सी स्मॉल सी है, कैपिटल ई और स्मॉल ई है, और केवल कैपिटल डी है। एक्चुअली ये जो फर्स्ट कैपिटल डी है, यही मोस्ट कॉमन है, इसको आर एच डी कहते हैं। और जब हम बात आर एच की करते हैं, तो कॉमनली हम इसी आर एच डी की बात करते हैं। और यही जो आर एच डी है, इसी को पॉजिटिव या निगेटिव सफिक्स के रूप में हम ई बी ओ सिस्टम से जोड़ देते हैं। जैसे हम कहते हैं ए पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसके पास ई एंटीजन है, साथ ही साथ आर एच डी एंटीजन है। अगर किसी इंसान का ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब है कि इसके पास केवल ए एंटीजन है और जो आर एच डी एंटीजन है ये नहीं है। चाहे आर एच ग्रुप हो, आर एच फैक्टर हो, आर एच एंटीजन हो, आर एच पॉजिटिव, आर एच निगेटिव, ये सब इसी आर एच डी एंटीजन से रिलेटेड है। और ये आर एच टर्म जो है, एक्चुअली ये रिसेस फैक्टर से है। और ऐसा बिलीव किया जाता था कि यह जो रिसेस मंकी होते हैं, उनके ब्लड में जो पाए जाने वाला एंटीजन है वैसा ही है। लेकिन एक्चुअली बाद में पता चला कि यह ह्यूमन का आर एच फैक्टर है और रिसेस मंकी का आर एच फैक्टर है, टोटली डिफरेंट है। बट नाम इतना तब तक चल चुका था कि आज भी हम इसको आर एच फैक्टर्स के रूप में ही पढ़ते हैं। ए बी ओ सिस्टम से रिलेटेड एक दो पॉइंट और हम देख लेते हैं। अगर हम ए बी ओ सिस्टम की केवल बात करें, तो इसमें ए बी निगेटिव जो होता है, ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कहलाता है, और ओ और ए पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप्स हैं, इनको कॉमन ब्लड ग्रुप्स कहते हैं। और अगर देखा जाए तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मोर कॉमन टाइप है, अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की बात हम करें तो। एक ब्लड ग्रुप, उसको गोल्डन ब्लड कहते हैं, वो क्या है? वो आर एच नल है, मतलब कोई भी आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता है। और ऐसे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का जो ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी होता है, इनका जो मेम्ब्रेन है वो बहुत लीकी होता है। और जो गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं, उनका जो आरबीसी है वो लीकी नेचर होता है, उससे सोडियम और पोटेशियम आयन लीक करता रहता है, जिसकी वजह से, और ये मेम्ब्रेन का जो डिफेक्ट है, यह हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है, जो कि इनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और ये जो लीकी नेचर है आरबीसी का, ये इनकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है, जिससे कि ये डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। क्योंकि ये कंडीशन बहुत रेयर है, इसीलिए इसको गोल्डन ब्लड कहते हैं। लेस देन 50 इंडिविजुअल्स में ये ब्लड ग्रुप आज तक रिपोर्टेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसी तरह एक ब्लड ग्रुप है जिसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं, या एच एच ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉम्बे में ही डिस्कवर्ड हुआ है, जो कि आजकल मुंबई के नाम से जाना जाता है। और किसके द्वारा? इसको डॉक्टर वाई एम बेंडे ने 1952 में। ये बहुत रेयर कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये एच एंटीजन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और इसके बारे में डिटेल पढ़ना हो तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और ये एच एंटीजन कहाँ पाया जाता है? ये ओ ब्लड ग्रुप में पाया जाता है। एच एंटीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि दोनों, चाहे ए एंटीजन हो या बी एंटीजन हो, दोनों एच एंटीजन से बनते हैं। तो ये भी एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को।
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।